हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी फिलहाल मैं हूँ भाई दुर्ग। पीछे आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, बस अभी ट्रेन से उतरा हूँ। अब चल रहे हैं अपन आज दुर्ग एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बहुत दुर्ग घूमेंगे जितना टाइम है। करीब 5-6 घंटे का मेरे पास टाइम है, तो देखते हैं भाई क्या होता है। कोई प्लान नहीं है आज भी, यहाँ भी कोई प्लान नहीं है अभी। तो फिलहाल मैंने रैपिडो से जो है बाइक मंगाई है, बुलाई है, तो बस वो आने वाला है। तो उसके बाद एक मॉल हैगा यहाँ पर सूर्या ट्रेजर आइलैंड नाम से। भाई मॉल का नाम देखो आइलैंड के नाम पे है, तो बस वहीं चल रहे हैं। तो अभी ये क्रॉसिंग पे अपन रुके हुए हैं भाई, इतने में ट्रेन ही आ गई। अपन अभी आ चुके हैं ये मॉल के बाहर, चलो भाई अंदर चलते हैं। फिलहाल अभी हम मॉल के अंदर आ चुके हैं। और भाई आपको बता दें, आप कभी भी जैसे कि ये ओला वगैरह कोई भी कैब करे ना, और लड़कियां हो चाहे लड़के हो, भाई एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपन सोलो ट्रैवलर हैं तो मैप में हर 1-2 मिनट में आप देखते रहें कि सही जगह ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। अपन अनजान सिटी में है भाई, कैसे किसी का भी भरोसा कर ही नहीं सकते। इसलिए मैप वगैरह देखो यार, ये चीज़ें होती इसीलिए हैं। अगर इतनी डिजिटल सब चीज़ें हैं उसके बाद भी अपन धोखा खाएं, फिर क्या मतलब है इन चीज़ों का, है ना। इसलिए अपनी सिक्योरिटी में तो बहुत इस्तेमाल करो भाई। इस मॉल के एंट्रेंस पे ही ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन भी लगी हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और स्क्रीनिंग वगैरह भी हो रही है, और आपका नाम एड्रेस मोबाइल नंबर भी लिखा जा रहा है, ताकि प्रॉपर स्क्रीनिंग वगैरह, और बाद में अगर कोई दिक्कत हो तो उसकी वजह से आपको कॉन्टैक्ट वगैरह किया जाए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हाँ, अच्छा लग रहा है कि अभी भी ये सारे स्टेप्स वगैरह जो है लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको और मुझे ही पता है कोरोना COVID-19 अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। दिवाली चली गई, शायद इन्हें पता नहीं है अभी तक हैप्पी दिवाली चल रही है। भाई अपने को लग रही है भूख, तो अपन चल रहे हैं अब कहाँ, डोमिनोज। डोमिनोज चलते हैं, कुछ पिज़्ज़ा वीज़ा खाते हैं, ठीक है। और अभी टाइम कितना अपने पास, वही है 2 घंटे करीब बचे हैं, उसके बाद अपनी फिर ट्रेन है, अपन चलेंगे रेलवे स्टेशन। तो ये रहा कैफे कॉफ़ी डे, लेकिन अपन इसकी कॉफ़ी नहीं पीते हैं, अपन पीते हैं 10 रुपये वाली कॉफ़ी। चलो भाई डोमिनोज। भाई अपना पिज़्ज़ा आ चुका है, तो अपन ने यहाँ पे 2 प्याज़ा करके एक नया फ्लेवर आया है वो ट्राई किया, चलो देखते हैं कैसा है। और यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं 0 कॉन्टैक्ट पिकअप काउंटर एक बना दिया है, आपके पास पिज़्ज़ा ला के रख दिया जाएगा और आप वहाँ से पिकअप कर लें। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ बढ़िया लगी कि देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा आपको सैनिटाइज़र दिया जाएगा। अगर आप सैनिटाइज़र कैरी नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा सा सैनिटाइज़र आपको देंगे। और ये रहा अपना पिज़्ज़ा। ये मॉल वॉल घूमना घामना है ना, ये शादी के पहले तक ही बढ़िया लगता है, और तभी तक आपको भी अच्छा लगेगा, पता है क्यों, उसके 2 रीज़न है। कोई कुछ लोग जो लोंडियाबाजी करने आते हैं ना, जो लोंडियाबाज होते हैं, उनका तो खेल ख़त्म शादी के बाद। भाई तुम अपनी बीवी के संग आओगे तो लोंडियाबाजी तो गई, ठीक है, उसके बाद बीवी के संग आओगे तो खर्चा मॉल में समझ लो क्या होगा। इसलिए जो भी अभी ये निपटा लो पहले, शादी ब्याह के पहले, बाद में तो फिर लंका ही लगनी है। भाई अभी मॉल के बाहर आ गए हैं और पिज़्ज़ा खा लिया, लेकिन यार मन इच्छा जो होती है ना वो पूरी नहीं हुई, मतलब मज़ा से नहीं आया, मतलब सूखा सूखा सा लगता है मेरे को यार ये वाला पिज़्ज़ा, लेकिन मैंने मंगा लिया था, ठीक है, बट मन नहीं भरा है। तो ओपन क्या करेंगे ना, पेट भरा है तो ओपन करेंगे कुछ लोकल में बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखते हैं, और फिर बस वहीं का रात का डिनर करेंगे और फिर निकलेंगे वापस, ठीक है। आप देखते हैं कोई बेहतरीन सा रेस्टोरेंट, थोड़ा मैं ऑनलाइन सर्च करूँगा और थोड़ा मार्केट में देखते हैं, क्योंकि दोबारा ना हो ऐसा कि पता चले फिर खाना खाया और फिर ऐसी तैसी हो जाए। तभी ऑनलाइन अपन ने सर्च किया भाई फूड वगैरह अच्छा कौन सा क्या है, तो अपन को एक पास में ही मिल गया ये प्रेम राजस्थानी थाली करके। तो मैप के द्वारा अपन जो है आ चुके हैं यहाँ तक, पास में था 150 मीटर करीब। चलिए अब इधर चलते हैं और इधर टेस्ट करते हैं कैसा क्या खाना है और क्या मिलता है। आ चुकी अपनी थाली, इसमें रोटी सब्जी दाल कड़ी सलाद मीठा है, चलिए खाते हैं फटाफट से, अब ट्रेन का टाइम हो रहा है, फिर बात करते हैं। तो भाई खाना खा लिया अपन ने, लेकिन यार मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, मतलब टेस्ट उतना ठीक नहीं था, मतलब ठीक ही ठाक था। क्या आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और कोई ऑप्शन नहीं है, देन आप उसको मतलब उस होटल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन दोबारा मैं तो नहीं आऊँगा इसके पास अगर कभी भी चांस पड़ा तो, क्योंकि यार उस मतलब क्वालिटी एक टेस्ट होता है ना, वो कुछ था ही नहीं इसके खाने में, मतलब लग ही नहीं रहा है कि कुछ बढ़िया सा अपन ने खाया, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, अब जैसा भी रहा
खैर खाना खा लिया अपन ने, और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि अब मेरी वापसी की जो है ट्रेन है यहाँ से दुर्ग से। तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस व्लॉग। और चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करो भाई, बेल आइकन प्रेस करो, और इंस्टाग्राम पे नहीं आए तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, ट्रेन लवर्स एच वाई के नाम से अपनी इंस्टा आईडी है, ठीक है ना, बातचीत होती रहेगी। और कमेंट सेक्शन में बताओ कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, ये मतलब दो बार खाना खाने निकले और दोनों बार ही कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।